और पहिल बॉल बेचना चुंडा बरंडिया पहिल बॉलर के मीटे एडवांटेज को जाम किया यूपी उत्तर प्रदेश कीपर उन्हें उड़ू प्लेन गया टास है बेन खान बॉल फ्रेम रे बंग चला उल्ला फ्रेम ना चेताना रिंग रे बॉल जोस के लिए रुवर ना पहला एडवांटेज का क्या फायदा उठा पाएंगे यहां पर उत्तर प्रदेश पंडाल लता रहे तीन बना पे यहां को आप खाली उत्तर पे जजोम तीन खा रहे खाली थपुन पे गोगो जना को हजूम खना कमिटी गुड़ा को नुआ को जगह खास ध्यान दो पे तीन दो गोगो जना को पे हजूम खना आप ठे हो नेहर मेना जहां तहां आलो पे तिंगु बड़ाई थपुना नुआ का जिलिंग पंडाल बोल जेले कारण नते की आप है शुरू पे नोडे आप को लगी थोड़ू ना सुरक्षित जगह दो करा नेत गया आप यह जगह सिनराजों पे अरबंग खान टाइम ते मुश्किल हुई आप को लगी कोई वो बड़ा एफआर चेह हो बनाओ पाई बनाई थे लाख कर ले मैदान पे कंधे है यार अरे रफाई गोल दो नंबर सद्दाम द्वारा टॉप कोर्नर रेडी डी मनपाई गोल ना बड़ी उल टोला रहे गिदरे आकांतम ओखोई दो जुतुम दो कार्यो गिदरे आई बवा जुतुम कार्यो मुर्मु आम जहार की बनाम नो स्टेज रे मजवा नोडे आमरन गिदरे को गु कर दिया आप नोडे कौन इदी ताम उनी गिदरे हेलो गिदरवा जुतुम दो सीधो मुर्मु खना उन्हें कालियो जी जहार की बनाम आमरे गिदर नवा मंच रे हजू में नोडल को निधि था एंथे अड़ी लटू मिला करना दिन भूर रे बिता में गिदर अड़ी ढीर नोडे लगती या लड्डू को से जहाना की जेला होना की हरावा उन्हें ते नेहर तो है ना आम बाबा का नाम आम मुसरा हजू में नवा मंच रे आमरे गिदर निधि था डोनेखन दोसार बॉल उत्तर प्रदेश टीम सुंदर से और मैच बराबरी हो गया है मैच इक्वलाइजर हो गया है दो दो शॉट्स में बाबार गोटे शॉट्स रहे नितो बना टीम मिमी गोटे गोल करते टीम बराबरी गया आनितो दो थर्ड बॉल सूट लगी डिफेंस लाइन कौन ए सेनों का जो तो कौन मजबूत डिफेंडर सुपोन किसको 16 नंबर हेलो हाँ
यहां से जो भी टीम जीतेंगे वो पहला सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होगा एफसी खैरीगढ़ के साथ। और ये देखिए इतना सुंदर गोलकीपर को चकमा दे दिए, अच्छा गोल। चलिए यूपी टीम नेक्स्ट बॉल खेले, जल्दी कीजिए अगले नंबर पर स्ट्राइक लेने के लिए। अगला प्लेयर उत्तर प्रदेश से, और तीसरे नंबर पर मौका दिया गया है राफेल सोरेन। राफेल सोरेन भी बहुत ही घातक प्लेयर्स हैं और खेल के दरमियान इनको एक मौका मिला था शॉट लेने के लिए, बहुत ही पावरफुल शॉट इन्होंने जनरेट किया था लेकिन गेंद फ्रेम पर लगी नहीं। लेकिन इनको देखना होगा तीसरे नंबर पर इनको स्ट्राइक लेने के लिए मौका मिला है इस टाई ब्रेकर में, अपने टीम के लिए क्या 100% दे पाएंगे राफेल। और ये देखिए अनुमान बहुत अच्छा लेकिन वो डाइव लगाने का प्रयास नहीं था उनका, पैरों से उनको रोकने का प्रयास था, इसी क्रम में गेंद गोल हो गई। अगर डाइव मारते तो निश्चित रूप से गेंद को शायद रोक सकते थे, अनुमान बहुत ही अच्छा था गोलकीपर रामलाल टुडू का, लेकिन ये गोल हुआ है। तीन तीन शॉट्स में दोनों टीम ने दो दो गोल करके मैच को अभी तक बराबरी रखा है। पेपे गुटे शॉट उत्तर प्रदेश लगी आर्मी थे, अच्छा हो सर। अगला एडवांटेज भी थे गुजाम के दल, मैच लीड लगी। पांच नंबर उड़े सेन करा मोहिदुल मैच को बराबरी रखने के लिए रामलाल को सेव करने की जरूरत है और मैच को लीड करने के लिए मोहिदुल जी को गोल करना होगा। और शानदार गोल, और अभी एक बॉल, एक एक बॉल दोनों टीम का शेष रह गया है। एम एस हेमरन स्टोन के लिए थोड़ा सा चुनौती रहेगी, आखिरी बॉल को हर हाल में गोल करना होगा। और उत्तर प्रदेश का जो एक शेष बचा जो बॉल है उसको हर हाल में सेव करना होगा, तब जाके मैच बराबरी होगी। जिम्मेदारी हर एंगल में देखें तो एम एस हेमरम स्टोन का चैलेंजिंग मुश्किल ज्यादा है। लास्ट बॉल के लिए हेमरम स्टोन, जल्दी कीजिए। आखिरी बॉल नौ नंबर श्रीतन मुर्मू, लास्ट बॉल के लिए इनको हर हाल में गोल करना होगा मैच में बने रहने के लिए। ये
क्या गोल करेंगे श्रीतन मुर्मू? और अगर इस बॉल को सेव कर देते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सुपर फोर में अपना जगह सुनिश्चित कर लेंगे। और ये देखिए बेहतरीन गोल, अब गोलकीपर के ऊपर में जिम्मेदारी। हेमराम स्टोन, हर हाल में इनको चाहिए सेव, सेव की जरूरत है। अगर सेव कर लेते हैं तो मैच सडन डेथ तक चले जाएगी। बॉल जदि गोले कन खान उत्तर प्रदेश टीम सेमीफाइनल लगी अठवा जगह को सुनिश्चित तक हुआ। अगर गोल हो जाती है तो ये सेमीफाइनल के लिए अपना जगह सुनिश्चित कर लेंगे। उत्तर प्रदेश से ये विनिंग बॉल है, डिसीजन बॉल। चलिए दोनों टीम्स के खिलाड़ियों का, टीम के मैनेजरों का धड़कन तेज हो गया है। कहते हैं कि धड़कन इंसान का मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन इसका 80, 90, 100 हो गया है। क्योंकि भाई 60,000 की बात है, अगर इस मैच को जीतते हैं तो 60,000 रुपया इनके पॉकेट में कंफर्म हो जाएगा। मिलेगी नहीं, लेकिन कंफर्म हो जाएगा। तुरंत नहीं दिया जाएगा, फाइनल मैच के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय मिलेगा। चलिए 6 नंबर हबीब, बहुत बड़ा मिस्टेक, पूरे टीम को निराश करने वाला शॉट। पूरा टीम को निराश करने वाला ये शॉट, ये देखिए इतना खराब शॉट। आप समझ लीजिए ये 60,000 रुपया का शॉट था, 60,000 रुपया। अगर ये गोल हो जाता तो 60,000 रुपया, यानी कि 60,000 यूपी के खेमे में आता। अरे भाई उसको मैच सडन डेथ तक चले जाएगी। और यहाँ सडन डेथ का प्रोसेस अभी लागू होगा, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक हार और जीत नहीं हो जाती। और पूरे टूर्नामेंट में ये तीसरा ट्राइब्रेकर है और पहला सडन डेथ तक यहाँ पर चल करके आई है। गोलकीपर रामलाल सडन डेथ का फर्स्ट बॉल शॉट के लिए। सुंदर से और एक बार मौका मिल गया, और एक बार मौका मिल गया यहाँ पर हमारे यूपी टीम को। ये देखिए दूसरा मौका, दूसरा मौका, क्या इस बार मौका को भुना पाएंगे यूपी की टीम? अपने आप से रामलाल काफी नाखुश है, लेकिन अभी सुधारने की जरूरत है रामलाल को ये बॉल सेव करके। 10 नंबर में जो एक फॉरेनर प्लेयर्स को आप देख पा रहे हैं उमर, ये डिसीजन बॉल पर। যদি নয় গোলে কান খান ইউপি টিম কো জিতবা। ये देखिए
भी काफी खराब चोट, जिस उम्मीद के साथ उसको भेजा गया था 10 नंबर उमर, उसमें खड़े नहीं उतर पाए। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ? दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा बैठे हैं। और चलिए यहाँ दर्शक भी इसका मजा लेते हुए, क्योंकि खेल में जितना मजा नहीं आ रहा था अभी सडन डेथ में उतना मजा आ रहा है। और कई बार तो हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट में देखा है कि सडन डेथ का प्रोसेस यही है कि टीम के 11 के 11 प्लेयर्स टोटल प्लेयर्स शॉट लेकर भी डिसीजन नहीं हुआ है, पुनः री पेनल्टी हुआ है। कई बार ऐसा नौबत आया है बड़े समय में, यानी कि बड़े मौजूदगी में, इस बार गोल। और ये देखिए इस बार गोल आया है हेमरम स्टोन का, अब जाके यहाँ पर गोल लगना होगा यहाँ पर यूपी टीम। हर हाल में यूपी को भी गोल लगना होगा मैच में बराबरी के लिए। चलिए चार नंबर वकील और सुंदर से, और इसी के साथ यहाँ पर हेमराम स्टोन की टीम ने सुपर फोर में अपना जगह सुनिश्चित कर लिया। ये तो पलटवार हो गया, इस मैच का दिशा ही चेंज हो गया। हेमराम स्टोन की टीम ने गोल खाई थी, लेकिन उस गोल को रिटर्न करने के